अब बढ़ते हैं आगे। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने एक बार फिर से जमानत के लिए कोशिश शुरू कर दी है। सजा स्थगन के लिए आसाराम की तरफ से हाई कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को जस्टिस संदीप मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही सरकारी अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 23 सितंबर तक तय कर दी है। सजा होने के बाद आसाराम सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर चुका था, लेकिन इसे विड्रॉ कर दिया था। इसके बाद आसाराम की अपील पर जल्दी सुनवाई की आग्रह स्वीकार कर लिया था और इससे जुड़ी सभी अपील याचिकाओं को कनेक्ट भी कर दिया गया था। पिछले महीने ही आसाराम की अपील को भी जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों की अपीलों की सुनवाई के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। इस हिसाब से अपील याचिका पर सुनवाई के लिए नंबर अब समय पर लग सकता है।